आप सभी को जय मसीह की। यहाँ ऑनलाइन जितने भी आज फेसबुक पे यूट्यूब पे जो जुड़े हैं, आप सभी को भी जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस बड़े योजना के तहत जो कि परमेश्वर की है, उन्होंने पास्टर डैनियल राज जी को ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया। और धन्यवाद देना चाहूँगी परमेश्वर का कि ऐसी गंभीरता इनके अंदर आई और वो ऐसे बोझ के साथ, ऐसे गंभीर बातों के साथ वो इस बोझ को लेके चल रहे हैं। और ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का उन्होंने इंतज़ाम किया है ताकि जो आज की जनरेशन है, जो आज के लोग हैं, इस कड़ी शिक्षा को समझ पाए। आज आप सब देख पा रहे हैं बाहरी दुनिया में, संसार में क्या हो रहा है। सब जगह गलत शिक्षाओं का प्रचार हो रहा है जो कि कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया जाता है, और उसके कारण आज जो कलीसिया है वो भटक रही है। हम अपनी साफ आंखों से देख पा रहे हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है, कलीसिया कहाँ जा रही है। और ये अब कब देख पाते हैं? जब आप खरी शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं, आप अपनी खुली आंखों से साफ दे सकते हैं। और आज ये बोझ हमें लगता है, हम देख पाते हैं कि हमारी जो कलीसिया है, यीशु की कलीसिया है, यीशु की दुल्हन है, वो आज नर्क में जाने के लिए तैयार हो रही है। इस बात का भय है हमें, इस बात का डर है हमें। ये बोझ लेके हम सब चल रहे हैं। हमारे डैनियल राज जी ने हमें ये सिखाया है कि इस बोझ के साथ चलो। उन्होंने हमें आत्मिक तौर पे आत्मिक जीवन कैसे जीना है वो सिखाया है। बाइबल की खरी शिक्षा के साथ, खरे वचन के साथ, उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे रख के बाइबल को पढ़ना है, कैसे समझना है, वो उन्होंने हमें सिखाया है। आज देखिए, आज शिक्षा तो कोई भी ग्रहण कर ले रहा है ना, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि बाइबल को हम कॉन्टेक्स्ट में समझें, क्योंकि जब तक हम कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझेंगे, हम नाश की ओर जाएंगे, हम गलत शिक्षा की ओर जाएंगे, हम उस जगह के लिए तैयार होंगे जो नर्क के लिए रखी गई है। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज रखा गया है 7 दिन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस बातों को, इस गंभीर बातों को समझ पा रहा है, मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप सब प्लीज़ यहाँ ज़रूर आएँ, इन गहरी बातों को सीखें और इसे औरों को सिखाने के लिए आप खुद शिक्षित हों। क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो हम हैं, और जो अगली पीढ़ी है, अगली जनरेशन है, उसको कौन बचाएगा? उसे हम ही बचा सकते हैं। ठीक है, इस गंभीरता को आप सब लेकर आएँ, खरी शिक्षा को ग्रहण करें, सही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें और आगे वाली जनरेशन के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार करें। क्योंकि एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगी, जैसे कि यरीहो की दीवार थी, आप सब जानते हैं वो दीवार कैसे टूटी है, वो दीवार एक आवाज़ से टूटी है। आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अपने वचन को हमारे मुख में डाला है कि हम उस वचन को अपने मुख के द्वारा, उस आवाज़ के द्वारा, उस गुहार के द्वारा हम इन गलत शिक्षाओं को ख़त्म कर सकें जो आज बाहर फैली हुई है बुरी तरह से। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पे आएं और उस गलत शिक्षा की दीवार को अपनी आवाज़ से तोड़ें। ये कोई और नहीं कर सकता, केवल आप, और खरी शिक्षाओं के साथ। तो ये 7 दिन से हम बाइबल कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, आज हमारा लास्ट डे है। ये 6 दिन में हमने बहुत सारी बातें सीखी है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जितनी भी घटनाएँ हुई, जितनी भी बातें हुई, उन बातों को हम सृष्टि की रचना से लेके प्रकाशित वाक्य के अंत तक जो होगी, सब हम इस बातों को समझ पा रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से मैं समझाया कि कौन गॉड है, कौन ट्रायून गॉड है, सृष्टि की रचना कैसे हुई और किस प्रकार परमेश्वर की योजना में सारी बातें रची गई और लिखी गई परमेश्वर की प्रेरणा से। तो इन बातों को बहुत ही हम गहराई से सीख सके हैं। और ऐसे ऐसे वचन, ऐसे ऐसे बातें, ऐसी ऐसी जो बातें हैं जो हम कभी नहीं सीख सके बाइबल में, जो रहस्य की बातें हैं, हम कभी नहीं समझ पाए। वो रहस्य सर ने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ, कहीं बाहर से नहीं, बाइबल के ही वचन से उन्होंने सिखाया है। आज बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, वचन का खुलासा, वचन को लोग बाहरी संसारिक एग्जाम्पल से दौड़ देते हैं और उसे कनेक्ट करके संसार को सिखाते हैं। तो हम इस बातों को समझ पा रहे हैं कि बाइबल के बाहर नहीं, बाइबल का खुलासा, बाइबल का की सच्चाई, बाइबल की गंभीरता बाइबल में ही है, बाइबल में ही है। आज 21वीं सदी के लोग जो हैं वो 21वीं सदी के हिसाब से सिखाएंगे तो खड्डे में जाएंगे। आज 21वीं सदी के लोग अगर पहले पैटर्न, फर्स्ट सदी के लोग, पहले सदी के लोग जो सीखे थे, उस पैटर्न में अगर जाकर हम सीखेंगे बाइबल को, मसीह की देह को, तो हम
सच्चाई से, खराई से, जैसी यीशु ने हमें तैयार होने को कहा है, जैसे उसने हमें काम करने को कहा है, हम उस तरीके से अपनी इस जनरेशन को और आगे की जनरेशन को तैयार कर पाएंगे। तो मैं आप सब से आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप सब प्लीज़ यहाँ आएं। सर के द्वारा बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ हम सबको यहाँ रखा गया है, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे माहौल में, प्रेम के साथ, एक पारिवारिक प्रेम के साथ, एक पारिवारिक माहौल के साथ रखा गया है। और जो सेवाएं हमें यहाँ मिल रही हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए डैनियल राज जी ने कोई बाहर से हमारे लिए पहरुए नहीं रखे हैं कि हमारी सेवा करें। ये आप टहल कर रहे हैं, ये आप सेवा दे रहे हैं, इनकी फैमिली, ये खुद हमें खुद सेवा दे रहे हैं, तो ये हमें इनसे सीखने को मिलती है। ठीक है, तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, प्लीज़ आए और इस वचन, खरी शिक्षाओं के वचन को और इस बोझ को लेकर आगे चले और जो गलत शिक्षाएं हैं उसको ख़त्म करें, क्योंकि